महानगर में इन दिनों मोबाइल की दर्जनों चोरियां हुई, जिसने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। जिसमें कैंट पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए 85 मोबाइल, जिसकी लागत लगभग 13 लाख रुपए है, इसके साथ सात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आपको पता ही है, कई तरह की टीमें मेरे आने के बाद बनी हैं। डिफरेंट डिफरेंट चोरियों पर काम चल रहा है और उसी क्रम में जैसे पिछली बार कारों का एक खुलासा बड़ा हुआ, अभी एक कैंट पुलिस की टीम ने एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया है जो मोबाइल चोरी करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत हैं ये। इसमें तीन एडल्ट हैं और ये अपने साथ अपने बच्चों को भी साथ में लगाते हैं। चार बच्चे भी हैं इनमें, जिनका जो बड़े ही तरकीब से बाज़ारों में जहाँ मेले हैं, जहाँ त्यौहार हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बच्चों का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल चुरा लेते थे। आपके सामने मोबाइल है, लगभग 85 मोबाइल बरामद किए गए हैं इनसे और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इससे जो शहर में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं भी प्रकाश में आ रही थी और इसमें एक खास बात जानने वाली ये है कि जो ये गिरोह है, ये लोगों को आभासी नहीं होने देता था कि मोबाइल चोरी हुआ है उनका या कहीं से निकला है। लोग समझते थे कहीं सड़क पे गिर गया है या कहीं सब्जी मंडी में गिर गया है, कहीं मार्केट में गिर गया है और लोग इससे संतोष कर लेते थे। लेकिन जिस तरह से भारी मात्रा में कोई लगभग 85 मोबाइल हैं और इनकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए है का सामान ये बरामद हुआ है, और मैं जनता से आपके चैनल और आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास निगाह रखें, सतर्क निगाह रखें। छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल करके इस तरह के संगठित अपराधी गिरोह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं और ये एक तरह से, ये भी एक तरह से टप्पेबाजी है। आपका ध्यान भटका करके इन्होंने ये मोबाइल उठा लिया आपका या चुरा लिया या आपके पॉकेट से निकाल लिया। तो इसके माध्यम से आपको एक ये जागृति भी लानी है कि ये इस तरह के ही लोग, सामान्य से दिखने वाले लोग हैं जो इस तरह का काम संगठित ढंग से कर रहे हैं। ये सभी झारखंड के, अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला है, झारखंड के निवासी हैं और अभी इनसे और तफ्तीश की जाएगी और प्राइमा फेसी ये पता चला है कि ये इन मोबाइल फ़ोन्स को दीगर स्टेट्स में झारखंड और बिहार की तरफ ही ले जा करके एक एक दो दो करके बेच लेते थे। जैसा कि बताया है कि अभी जो फ़ोन्स मिले उसमें एक आध के बारे में तो पता चला है, बस्ती से भी इसमें फ़ोन आए हैं और ये एक तरह से घुमंतू टाइप के लोग हैं और किसी शहर में जा करके कुछ दिन रह करके और काफ़ी संख्या में मोबाइल इन्होंने चोरी करने, फिर जाके धीरे धीरे बेचते रहना और अपना काम चलाना। इस तरह की मॉडल अभी जांच में आ जाएगा, जांच में आएगा सभी का। तीन बड़े मिले हैं अभी इसमें और चार बच्चे इनके भी साथ में। बच्चों को चूंकि जुवेनाइल एक्ट के तहत बच्चों को संरक्षण प्राप्त होता है, वो नाबालिग होते हैं, इसलिए उनको हम नहीं पेश करते। ये बच्चों को आगे रखते थे, बच्चे कभी कभी पॉकेट से निकालते भी थे या धक्का दे करके सामान खरीदते हुए आदमी से गिरा लेना, सामने झोला लगा करके उसमें गिरा लेना, सब्जी के थैले में छुपा देना और साथ के ही अडल्ट आदमी को देख देना, वो बंदा मौके से गायब हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शक भी होता है कि बच्चा मेरे पास खड़ा, तो बच्चे को वो पूछेंगे कि बच्चे तुमने मोबाइल देखा या तुमने कहीं दिखाया, उसकी तलाशी भी लेंगे तो बच्चे के पास कोई मोबाइल नहीं मिलता। ये अभी जांच का विषय है कि एक साथ जाते थे कि दो टीमें बनाते थे कि तीन टीमें बनाते थे। इसमें आप देख रहे हैं तीन बड़े और चार बच्चे हैं, ये दो टीम में भी हो सकते हैं, तीन टीम में भी हो सकते हैं और अभी जितनी जल्दी कार्रवाई हुई है उसमें अभी जांच का जो कहना है उस हिसाब से तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर थे और बस्ती से भी होकर के आए हैं ये और भी जगहों पर जाने की इनकी गुंजाइश थी। तो अनुमानित कीमत इसमें आप देख रहे हैं, वीवो के, अपो के सभी टच स्क्रीन फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। अनुमानित लागत इसमें लगभग 13 लाख रुपए के आसपास ये निकलती है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन, सभी फ़ोन बड़ी स्क्रीन वाले हैं, इस तरह के बड़े।